ओ भाई, ये तो देखा ही नहीं मैंने। सामने पहले कांड हुआ पड़ा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमेश। सामने अपने हैं इस समय XUV700 अपनी वाली। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं कि डीजल है ये और मैनुअल में है, ठीक है। तो मैं इसका इनिशियल स्टेज वाला बिल्कुल 1000 किलोमीटर से भी पहले एक माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ, जिसमें अराउंड 14 की माइलेज दिखाई थी। अब थोड़ा और चल चुकी है, बाद में भी करेंगे सेकंड माइलेज टेस्ट, लेकिन फिलहाल वो कर चुका हूँ। और उसके साथ साथ ब्रेकिंग टेस्ट भी कर चुका हूँ, क्योंकि ब्रेकिंग को लेकर भी तमाम इसकी हाइप बनी हुई है कि बहुत बढ़िया ब्रेक वगैरह है, वो भी टेस्ट कर लिया। अब बात आती है कि जो इसके इंजन की पावर बताई जाती है ना, 183 BHP, डीजल की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल में तो और फाड़ बता देते हैं, मतलब 197 BHP बताते हैं। और अगर टॉर्क की बात करें, 420 Nm का टॉर्क, भाई गजब के ही नंबर लगते हैं। अगर सुनने की बात करें तो ये सुनने में है या एक्चुअल में भी हमें रोड पर पता लगता है। तो पता करते हैं अपन इसका एक पिकअप टेस्ट, मतलब 0 to 100 जितना भी होगा, रोड छोटी है लेकिन 0 to 100 ट्राई करते हैं। तो इस तरह से देखो, यहाँ पर दिया हुआ है ड्राइव मोड, ये रहा अपना। जैसे आता है यार इकोनॉमी और सिटी और स्पोर्ट इस टाइप के होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर इसमें इनका नाम रख दिया जिप जैप जूम। तो अपन इसको कर देते हैं जूम, जिसमें बिल्कुल फुल इस अपने पूरे मूड में होगी गाड़ी। ये हो गया, यहाँ पर रेड रेड आ गया नीचे प्लेटफॉर्म, और इसके यहाँ का भी इंटरफेस चेंज हो गया है। और भाई इसका जो अपना ये एसी है, इसको कर लेते हैं बंद, क्योंकि पूरी तरह से पावर चेक करनी है ना। तो करते हैं अब स्टार्ट, लगाते हैं पहले गियर पे और देखते हैं भाई क्या कमाल है। और मुझे ये नहीं पता होगा भाई एक्चुअल में कितना सेकंड लगे, लेकिन जब एडिट कर रहा हूँगा तब पता चल जाएगा। नहीं तो आप भी देखोगे ना, अनकट रहेगी ये यहाँ से वहाँ तक जब ब्रेक लगेगी तब तक, तो आप भी उसमें देख लेना सीक बार में अपने, कि पता लग जाएगा कितने सेकंड में 0 to 100 हुई। तो देखो ये आई भी 0, अब करते हैं स्टार्ट। क्या बात है भाई, रोड ही खत्म हो गई, 98 तक पहुंची है, रोड आ गया खत्म। अरे भाई इमरजेंसी ब्रेक, और इसमें ये वाले जो हजार्ड है ये और आ जाते हैं जैसे ब्रेक लगती है तुरंत। चलो इधर से ट्राई करते हैं एक बार, एक और बार देखते हैं यहां से शायद हो जाए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल यहीं से रोड है, इसके आगे वो नहीं है। अब करते हैं एक और बार। हाय हाय, व्हील स्पिन यहां सही होगा। ये हो गया अपना 100, बढ़िया बढ़िया। आगे थोड़े ग्रेवल्स थे। ओ भाई, ये तो देखा ही नहीं मैंने, सामने पहले कांड हुआ पड़ा है। ये चीजें देखकर और ज्यादा दिल हो जाता है कि भाई ये क्या हो रखा है, और काम हो रहे हैं ऐसे टेस्टिंग वेस्टिंग के। तो भाई इस तरह से आपने चेक करा होगा कितना है। फिलहाल मैं एक हाथ से शूट कर रहा था, कोई था नहीं, वैसे दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि पीछे पूरी रोड जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है इसी वजह से। और आपने इसमें देख लिया होगा कि कितना टाइम लगाया, लेकिन फील तो पूरा तगड़ा वाला आया कि हाँ भाई पावर है वाकई में, इतना वेट होने के बावजूद गाड़ी के। तो फिलहाल इसे इतना ही रखते हैं। मन था कि एक बार ये भी टेस्ट करके देखे, अब तक किया नहीं था। ब्रेकिंग टेस्ट में तो काफ़ी इंप्रेसिव वाली फीलिंग आई थी, लेकिन इसमें भी जूम मोड जो है अपना प्रॉपर वाला करके, उसमें क्या टाइमिंग आई नीचे आपके अकॉर्डिंग, आप भी जरा कॉमेंट करके बताना कि आपके अकॉर्डिंग एक्चुअल में पॉइंट जो फ्रैक्शन सेकेंड होता है ना, उसमें भी क्या टाइमिंग आई। तो इसको इतना रखते हैं। जय हिंद।